हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अवर चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कंप्यूटर चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। मैं बताऊंगा आज इस सब दुनिया के सबसे सस्ते कंप्यूटर के बारे में। जो बच्चे हैकिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं अपनी यूजुअली काम, तो मैं उस कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ जो दुनिया का सबसे सस्ता कंप्यूटर है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ रेस्पबेरी पाई के बारे में। तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। दुनिया का सबसे सस्ता जो कंप्यूटर है वो रेस्पबेरी पाई है, जो कि आप पॉकेट में भी ले जा सकते हो कहीं भी। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेस्पबेरी पाई के बारे में, जो एक दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है और सबसे सस्ता कंप्यूटर है, जिसे आप पॉकेट में फ़ोन की तरह ले जा सकते हैं कहीं पे भी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इतना साइज है इसका। और मैं इसके मदरबोर्ड, आप ये देखिए मदरबोर्ड इसका, आप इसमें ODG केबल लगा सकते हैं और इसमें जो है आप डेटा को ट्रांसफ़र करने वाले केबल लगा सकते हैं। और इसको आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो मदरबोर्ड है वो देख लीजिए, मैंने फोटो लगाई हुई है स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा होगा। इसमें आप दो केबल ODG केबल भी लगा सकते हैं, दो पोर्ट हैं इसके मिलेंगे और एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। और आपको इसके अंदर रैम भी मिलेगी और इसके अंदर डिवाइस की जो अपनी स्टोरेज मेमोरी है वो भी मिलेगी। तो दोस्तों इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो खास बात है, इसके अंदर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, इसके अंदर आप काली लिनक्स भी डाल सकते हैं। इसका जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो रेस्पबेरी आता है और वो इसी के अंदर इंस्टॉल्ड आता है पहले से ऑलरेडी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे चीपेस्ट कंप्यूटर है। अगर मैं अभी इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये आपको 2500 से 3000-4500 के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर लीजिए 2000 से 5000 के बीच में ये आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही चीपेस्ट है और ये आप क्वालिटी के ऊपर मिलेगा आपको। 5000 तक मैक्सिमम आपको बहुत ही अच्छा वाला मिल जाएगा ये। और इसके अंदर आप विंडो डाल सकते हैं, विंडो के कोई भी विंडो का वर्जन, विंडो 7, विंडो XP या विंडो 10, आप कोई भी विंडो इसमें चला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज दिया हुआ है। आप इसके स्टोरेज के लिए आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं और आप इससे हैकिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पॉकेट में आप कहीं पर भी कंप्यूटर नहीं ले जा सकते बड़ा, तो आप रेस्पबेरी पाई कहीं पर भी ले जा करके हैकिंग का मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर विंडो 10 तक डाल सकते हैं, विंडो 8, कोई भी विंडो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और विंडो डालने के बाद आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जो एक्शन मोबाइल से परफॉर्म नहीं कर पाते वो आप कंप्यूटर यूज़ करके, विंडो यूज़ करके आप वो हैकिंग एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम बदल सकते हैं, इसके अंदर हम विंडो डाल सकते हैं, इसके अंदर हम काली लिनक्स डाल सकते हैं। और विंडो डाल के आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में ही चलाए जाते हैं हैकिंग के, तो आप अगर वो डाल लें तो आपके जो कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर आसानी के साथ चल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ, आप इसके अंदर गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं। आप गेम वगैरह जो PC पे गेम चलाते हैं आप उन गेमों का मज़ा इस पर ले सकते हैं। अगर आपको छोटी स्क्रीन लगती है तो आप इसकी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं, बड़े मॉनिटर, बड़ी LCD या LED जो भी आपके पास मौजूद हो, आप उसे इस कंप्यूटर को कनेक्ट करके आप बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग वगैरह का मज़ा ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर आपको स्क्रीन वगैरह या LED वगैरह मिल जाती है और आपके पास ये रेस्पबेरी पाई रहेगा, रेस्पबेरी पाई को आप वहाँ से डायरेक्ट केबल से कनेक्ट कीजिए और केबल से कनेक्ट करने के बाद आप बड़ी स्क्रीन पर भी कंप्यूटर चला सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई ना बड़ी वाली बात कि आप जो छोटा कंप्यूटर है वो आप कहीं पर भी पोर्ट करके ले जा सकते हैं उसे और इजीली कैरी कर सकते हैं आप इसे। तो दोस्तों मैं बात करूँ हैकिंग एक्शन के लिए, तो आप इसके अंदर रेस्पबेरी पाई जो इसका रेस्पबेरी आता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो यूज़ नहीं करना है तो आप इसके अंदर काली लिनक्स डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर काली लिनक्स डाल सकते हैं, काली लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है काली लिनक्स क्यों यूज़ किया जाता है? काली लिनक्स हैकिंग के सारे एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम काली लिनक्स से कौन कौन से एक्शन इसके द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हम कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं वही हम मोबाइल इससे ये मोबाइल साइज के कंप्यूटर को यूज़ करके वही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही रहना है काली लिनक्स ही, आप छोटी स्क्रीन पर यूज़ करो या बड़ी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हाँ, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपको 2500 से 3000, 3500 और 4000 के आसपास भी मिल जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी में आता है तो मिल जाएगा। अलग अलग वेबसाइट्स पे आप अमेज़ॉन पे डाल के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं दूंगा वरना आप सोचेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है बंदा।
मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा लिंक विंक देना, लेकिन आप डायरेक्ट सर्च करके इस कंप्यूटर को ले सकते हैं, वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे। और आप देखिए इसका स्क्रीन साइज, आप इसको हाथ में कैरी करके ले जा सकते हैं इजीली मोबाइल फ़ोन की तरह, और ये रहेगा आपका कंप्यूटर बट दिखेगा मोबाइल फ़ोन की तरह। आप देख लीजिएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटे से साइज़ का कंप्यूटर है, क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर तो आप कहीं कैरी नहीं करके ले जा सकते, हर जगह कैरी नहीं करके ले जा सकते। अगर आपको हैकिंग करनी है कहीं पर तो आप इस डिवाइस को लेकर जाके हैकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कीप लर्निंग ऑल।